नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नाहके और मेरी इस YouTube चैनल संतोष नाहके में आपका स्वागत है। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अरे वाह, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आज हम मतलब एक बात करेंगे। दाल बात करेंगे? अरे दाल बात नहीं करेंगे, बात करेंगे। पहले दाल बात करेंगे फिर बात करेंगे। पहले दाल बात करेंगे दोस्तों? दाल भात बोलो ना, दाल भात। अरे बात, दाल भात, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे बाप रे, बहुत टेंशन में है तू। नहीं तो क्या, बहुत टेंशन में हूँ। क्यों? अरे यार, बंबई में बहुत बरसात है। हाँ बरसात तो है, इसलिए तो टेंशन में हूँ। अच्छा, बंबई में बरसात है। नहीं तो क्या, कितने लोगों को नुकसान हो गया, जान माल की हानि हुई। कोल्हापुर, सांगली, तड़ेत, उधर के इनके बहुत सारे गांव में पानी भर गया। हाँ पानी तो भर गया, बहुत दुख की, मतलब कितना नुकसान होता है। इतने मतलब जो बांध है, बाढ़ है, ये सब उसके कारण बहुत नुकसान होता है। हाँ जान माल और घर के घर टूट जाते हैं। आपको मालूम है घर बनाने में कितना समय लगता है? हाँ ना, बहुत समय लगता है। हाँ तो, और एक बरसात आती है और पूरा का पूरा घर खत्म हो जाता है, पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। सो सैड। यस सर, सो सैड, आई एम वेरी सैड। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं तो होना चाहिए, कोई ऐसी इच्छा भी नहीं करता कि ऐसा बाढ़ आनी चाहिए और घर बार मतलब पूरा टूट जाना चाहिए। तो मतलब अभी क्या हो रहा है ना, ये बाढ़ जो है, बाढ़ जो है, और पहाड़ी भू, जो बड़े बड़े पहाड़ी है वो भी टूटती है। हाँ सर, मैंने तो देखा हिमाचल प्रदेश में नीचे बहुत बड़ी पहाड़ी गिरी और एक बहुत बड़ा नीचे ब्रिज गिरा। ब्रिज? हाँ यस, ब्रिज। और वहां पे नीचे बहुत सारे लोग भी मरे। हाँ वो तो है, बहुत सारे लोग भी मरे। इसके बारे में मैं बहुत दुखी हूँ कि वहाँ टूरिस्ट लोग घूमने गए थे और वो उसमें मतलब उन्होंने अपनी जान गंवाई। हाँ ना, कहीं कहीं बादल फट जाते हैं। हाँ बादल, मतलब अब क्या हो रहा है ना, ढग फूटी, यानी कि जो बादल है एक साथ में एक ही जगह पर गिरते हैं, दैट इज कॉल्ड ढग फूटी। हाँ इट्स मतलब क्लाउड जो है ना, एक ही समय में बरसात गिरती है वहीं पर। हाँ ये मतलब अभी बहुत चलन हो गया। और सर आपको मालूम है क्या, क्या बिजली गिरी थी? अरे हाँ, मतलब मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और दूसरी जगह पर बिजली गिरी थी। बिजली कड़कने से तब भी मतलब 40-50 लोगों की मौत हुई थी। हाँ सर, ये भी बहुत निकल बहुत दुखद घटना है। मैं बता नहीं सकता हूँ, जिसकी जान माल की हानि होती है, जिसके परिवार में लोग निकल मरते हैं, उनको ये सब पता चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अभी मालूम नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी बम्बई में बरसात आती है, पूरी मतलब पूरे नदी नाले भर जाते हैं, और इसके साथ में क्या होता है ना, जंगल में भी बरसात हो जाती है। अभी तो मगर जो है सांगली में, अभी देखें मगर, मगर मगर बड़े वाले क्या? हाँ बड़े मगर जो है वो रोड पे आ गए। अच्छा रोड पे, बापरे मेरे को बहुत डर लगता है। हाँ नहीं तो क्या, मतलब जो रोड पे मगर आ रहे हैं और उसके कारण भी अब लोग करेंगे क्या। हाँ अब सांगली में मालूम है क्या, मैंने न्यूज में देखा था कि एक शख्स बता रहा था जो डेकोरेशन का काम करता है। तो अब उनको मतलब क्या हो गया, बताया गया कि सुबह 11 बजे तक के पानी छोड़ेंगे डैम का, और सुबह 5 बजे धीरे 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 पानी छोड़ना शुरू किए और 15 फीट तक के पानी भर गया उनके पूरा का पूरा, मतलब सांगली, सातारा, कोल्हापुर, यानी ऐसी बहुत सारी जगह वो पूरे के पूरे डूब गए। और तुमको मालूम है? हाँ क्या, 2 साल पहले और सांगली में, कोल्हापुर में बरसात हुई थी ऐसी। हाँ बहुत, इट इज वेरी हॉरिबल, बहुत डरावनी। मैं याद करता हूँ ना, मुझे बहुत ही डर लगता है। हाँ तब भी बहुत बरसात हुई थी और तब भी ऐसी सिचुएशन थी,
और जो महालक्ष्मी एक्सप्रेस नहीं क्या, हाँ, क्या हुआ था उसके साथ? वो ट्रेन पूरी रुक गई थी रास्ते में, और वहां बहुत मतलब कई घंटों तक के लोग ट्रेन में ही रुके थे। अच्छा क्या? हाँ मतलब ये क्लाइमेट सब मालूम नहीं कैसा हो रहा है। तो और क्या होता है ना कि इससे मतलब नुकसान तो होता है, खेती पर भी इसका असर होता है। हाँ जानवर भी मरते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो जानबूझकर ओवरफ्लोइंग ब्रिज के ऊपर से गाड़ी मोटर लेके जाते हैं और बह जाते हाँ, ये देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। हैं। हाँ ना, मुझे भी गुस्सा आता है कि बरसात मतलब ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा है, और उसके ऊपर से गाड़ी लेके जाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो लेके नहीं जाता। मालूम नहीं कुछ लोग नहीं क्या बहुत ज्यादा अकल के समझते। हाँ ना, अकल के समझते हैं, मतलब उसके ऊपर से लेके जाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, दूर रहना चाहिए पानी से, आग से, ऊंचाई से। हाँ वो तो है, तो इसके ऊपर उपाय क्या है? उपाय मतलब आप बताओ ना। हाँ मैं क्या बताऊँ, अभी साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, हमने वैज्ञानिक लोग, वैज्ञानिक जो है साइंटिस्ट, उनकी बात सुननी चाहिए। वो क्या कहते हैं, तभी हम पर्यावरण को बचा सकेंगे और लोगों को बचा सकेंगे। और मालूम है क्या तुमको, मुकेश अंबानी जो है उनका कहना है कि 2047 तक भारत अमेरिका और रूस के जितना ताकतवर हो जाएगा। अच्छा क्या? हाँ और मतलब मेरा कहना है कि 2047 तक तो नहीं क्या, हम भारत में इतने नहीं कचरे के पर्वत तैयार हो जाएंगे। हाँ, अभी तो नहीं क्या पूरे देश की हालत खराब है। जहां वहां कचरा कचरा कचरा, प्लास्टिक कचरा, दुनिया भर का कचरा। हाँ, तो 2050 तक तो नहीं क्या बड़े बड़े पहाड़ हो जाएंगे, जमीन नहीं रहेगी चलने के लिए। हाँ जमीन नहीं रहेगी चलने के लिए, पानी भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये लोग पान मतलब झिल्ली जो है, कचरा जो है दुनिया भर का, जैविक कचरा, मेडिसिनल कचरा जो है मेडिकल से निकाल, वो सब पानी में फेंकते हैं। हाँ सर, तब भी मुझे बहुत गुस्सा आती है। इसके बारे में आप कुछ करो ना। हाँ मैं कुछ करूंगा। हाँ जरूर करना सर। तो थैंक यू दोस्तों मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू दोस्तों मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। हाँ तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय। बाय बाय। ओके।